हेलो दोस्तों, ये एसी है कैरियर का। नया एसी मैंने इंस्टॉल किया है। इसमें देखिए ऐसी आवाज़ आ रही है। अब मैंने यहाँ पे देखा, आके खोल के देख तो ये स्क्रू नहीं था, कोई बात नहीं। उसके बाद जब हमने ये हटाया कॉयल, तो ये देखिए बुश और इसकी रॉड, मतलब ब्लोअर की रॉड एक कॉर्नर पे लगी हुई है बुश के, जो कि बीच में लगा होना चाहिए था। इसी वजह से आवाज़ कर रहा था। बहुत देर तो परेशान थी, क्यों आवाज़ कर रहा है, खोल के देख भी रहा था। जब अंदर मैंने खोल के सोचा कि अंदर कोई पैकिंग वगैरह तो नहीं टच हो रही है, उसके बाद ये पता चला। जबकि ये नया एसी है कैरियर का, इस तरीके से कैरियर का एसी मिलता है। कैरियर का क्या, किसी भी कंपनी का ये डैमेज हो जाता है तो कस्टमर के सामने तो नहीं बता सकते कि डैमेज है ये क्या है पीस, क्योंकि फिर कस्टमर परेशान हो जाता है कि मैंने नया एसी लिया इतना महंगा और उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है। कोई नहीं दोस्तों, ये हमने यहाँ से बुश को निकाल के शाफ्ट में डालना है, और शाफ्ट में डालने के बाद फिर उसके बाद देखते हैं सॉल्व होता है या नहीं। तो दोस्तों ये मैंने बुश निकाला है। देखिए बुश की सेंटर में जगह होती है, लेकिन ये रॉड देखिए ऊपर कॉर्नर पे लगी हुई है बिल्कुल। जब ये कॉर्नर पे लगी है तो ब्लोअर ऑटोमेटिक ऊपर हो ही जाएगा। जब ब्लोअर ऊपर हुआ तो वो ड्रेन ट्रे में टच हो रहा था, कॉयल में नहीं हो रहा था, ड्रेन ट्रे में। लेकिन भाई हीट हो गया था बिल्कुल, रॉड जो है हीट हो गया था। ये भी बहुत हीट है, गर्म है, हाथ लगाया मैंने। तो अब हम इसको शाफ्ट में डाल देंगे। शाफ्ट में डालने के बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं। देखिए दोस्तों वर्क कंप्लीट हो गया, अभी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। सारी आवाज़ वो बुश की थी जो साइड में शाफ्ट फंसी हुई थी, अंदर नहीं थी। अभी बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को रिपेयर गाइड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।